हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मौसम थोड़ा सही हुआ है, कल से हवा चल रही है ठंडी ठंडी। हाँ, आज लुबान जलाया है। लुबान जलाती हूँ ना तो बड़ा अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है। पॉजिटिविटी तो मेरे घर में वैसे रहती है, लेकिन और अच्छा लगता है लुबान जलाती हूँ तो। हाँ, एक बात बताऊँ मैं आपको, थोड़ी सी 2 मिनट की बात करूँगी मैं, गुटका पीऊँगी। कि वो ये कह रही थी कि मैडम को पैसे की किल्लत पड़ रही है ना, पैसे की कमी लग रही है ना कल की वीडियो में, तो इसलिए ऐसा कर रही है। कौन? सायरा सत्तानी को बोल रही थी, शीला भाई जिसे हम कहते हैं, कि इसलिए पैसे की कमी पड़ रही है। तो उसने कहा कि लाओ थोड़ी सी बुढ़े से साथ लड़ाई कर लूँ, कंट्रोवर्सी कर लूँ तो व्यूज़ आएंगे, है ना। तो मैं इधर डिटेल लगाती हूँ कि वो एक साल में कितना कमाती है, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, बात करते हैं सितारा यासीन की, तो करूंगी करूंगी, लेकिन ताहिरा जी की करूंगी, जो सितारा यासीन के लिए एक पिलर के समान खड़ी हैं। गलत उल्टा सीधा लोगों की हर बात सुन रही हैं, लेकिन फिर भी पिलर की तरह सितारा के लिए खड़ी हैं। जी हाँ, मैंने परसों वीडियो बनाई थी सितारा के लिए, तो मेरे पास YouTube पे कमेंट आया था। क्या कमेंट आया था वो नहीं बताऊँगी, किसका आया था वो भी नहीं बताऊँगी। देखिए, पर्दा ज़रूर रखना चाहिए किसी का। मैंने सोचा कि छोड़ो, चलो, मैंने कभी नहीं सोचा कि, जबकि मेरा चैनल है और मेरा भी रिएक्शन चैनल है, फैमिली ब्लॉग से चैनल बनाया था। उस टाइम मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि मुझे क्या करना है। फैमिली ब्लॉग से बनाया तो फैमिली में मैं क्या दिखाऊँ, इतना मैं फैम बच्चों ने मना कर दिया मतलब देख आने के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि मैं रिएक्शन देती हूँ। तो मेरा भी रिएक्शन चैनल है, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा, 2 साल से है, मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं सितारा के ऊपर रिएक्शन दे के या सितारा के ऊपर बोल के कभी व्यूज़ कमाऊँ। और ऐसा नहीं है, चैनल मेरा जैसा भी चलता है, देखिए चलता है, आप देखना। कभी नहीं सोचा कि, लेकिन मैं उसकी उससे प्यार करती हूँ और हमेशा उसके लिए दुआ करती हूँ, सपोर्ट में रहती हूँ। जब बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, जब से 1.5 साल पहले, तो ऐसा नहीं है, मैं भी उसके साथ बराबर हुई थी। जी हाँ, और बराबर उसे जो भी मेरा मन में आता था, बराबर सऊदीया वाली को मैं कमेंट करती थी, उसने मेरे कमेंट के जवाब भी दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आज मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे आज बोलना चाहिए, आज तो मुझे बोलना चाहिए, बोलूँगी। क्योंकि पहले मैं ये सोचती थी कि बहुत सपोर्टर हैं उनके, बहुत हैं उनके साथ, एक मैं नहीं भी होंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि वो सपोर्टर जो थे वो सारे गलत थे। वो कुछ सपोर्टर ऐसे हैं, कुछ सपोर्टर, कुछ कह रही हूँ, कुछ सपोर्टर ऐसे हैं जो सपोर्टर थे ही नहीं, उनके नाम के व्यूज़ कमा रहे थे। और आज जब आके असली और सही और गलत का जब पता चलता है, जब सामने आके इंसान बोलता है, जैसे सितारा ने जब सबको डिसॉन किया है, सबके आग लग गई है। लेकिन उन सब के बराबर मैं ये कहूँगी कि एक ताहिरा जी ही काफ़ी है, एक ताहिरा जी काफ़ी हैं। भौंकने दो, जो बोल रही हैं बोल ले दो। नहीं बनाऊँगी वीडियो, मेरे पास वो आया था कमेंट, लेकिन नहीं, डरने वाली मैं भी किसी से नहीं हूँ, और ना मुझे यूट्यूब के पैसे से मेरा घर चल रहा है। मैं एक टीचर हूँ, गवर्नमेंट जॉब है मेरी। जी हाँ, ये मेरा एक शौक है, एक करती हूँ मैं काम। मुझे कोई फ़र्क, पुरानी वीडियो उठा के देख लीजिए मेरी आप, मुझे ये नहीं है कि मेरा यूट्यूब से घर चढ़ रहा है। जी हाँ, मैंने ताहिरा जी की लाइव सुनी रात, देख नहीं पाई मैं, इसके लिए मुझे अफसोस रहा, लेकिन मैंने सुनी और फैसला किया कि मैं अब ज़रूर बोलूँगी। ये तो मैंने कल सुबह ही कह दिया था, लेकिन शाम मैंने फैसला कर लिया, मैं ज़रूर बोलूँगी। लोग जल रहे हैं, पूरी तरह जल रहे हैं। अब जल के वो कुछ कर तो सकते नहीं किसी का, तो वो खंभा ही नोच रहे हैं। कहते हैं ना, खिसिया नहीं बिल्ली खंभा नोचे, वो खंभा ही नोच रहे हैं। ये मुँह है ना, ऊपर वाले ने आपको मुँह दिया है, इससे अच्छा बोलो या बुरा बोलो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और मैं ताहिरा जी से एक रिक्वेस्ट करूंगी, मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है उनसे कि चैनल अपना डिलीट ना करें, इन चंद लोगों के लिए, इन गलीच लोगों के लिए, इन बदतमीज़ लोगों के लिए आप तो अपना चैनल डिलीट करेंगे ताहिरा जी। मेरी समझ में ये नहीं आता, जब सितारा पे इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही थी, जब ये लोग कहाँ थे, केवल बोल रहे थे, चीख चीख के बोल रहे थे, रात के 3-3 बजे तक बोल रहे थे, व्यूज़ आ रहे थे, डॉलर आ रहे थे, लेकिन किया क्या? कर तो कुछ नहीं रहे थे ना, कुछ भी नहीं कर रहे थे। अब पुराने लोग बिलों में से निकल कर आ रहे हैं, है ना, कर तो कुछ नहीं रहे थे, जो किया ताहिरा जी ने किया, सब चुप हो गए। जी हाँ, वो जरदा खान, जरदा खान ऐसी चीख चीख कर बोलती है कि उसे ऐसा लगता है कि सामने वाले शायद बहरे हैं। सामने वाले शायद ऊंचा सुनते हैं, उसे ऐसा लगता है। या मुझे लगता है वो खुद ऊंचा सुनती है। जी हाँ,
ताहिरा ने वो ताहिरा सॉरी ताहिरा नहीं सितारा जी ने जब तक सितारा ने जब से उन्हें डिसऑन किया है उनकी मिर्चें लगी हुई हैं, आग लगी हुई है। टाइटन लगाती है तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ जी, नहीं तुम्हारे ऊपर पूरा फिट होता है कि तुम्हें मिर्ची लगी तो और तो कोई क्या करे। एक वो बैठ जाती है पूरे पूरे दिन की लाइव लेकर, कह रही है मैं 24 घंटे की लाइव लगाऊंगी। अरे तू 48 घंटे की लाइव लगा, देख कौन रहा है, देख कौन रहा है। और लोगों की जिन लोग जो लोग सपोर्टर हैं जो लोग सही बात करते हैं उन लोगों की ही वीडियो देख के मैं अंदाज लगा लेती हूँ कि तू क्या बोल रही है। उन लोगों ने ही बताया मैं तेरी लाइव में अब नहीं आती, पहले आती थी मुझे लगता था कि तू सही बोलती है लेकिन नहीं अब तू गलत लोगों के साथ है क्योंकि तू खुद भी गलत है। तो कल मैंने सुना कि बता रहा था कोई जो एक से मतलब डिसऑन करने से पहले भी वो ऐसे ही बोलते थे, आफ्टर डिसऑन भी वो ऐसे ही बोल रहे हैं, उन्हें कोई मिर्ची नहीं लगी। उनके मुँह से मैंने सुना कि कह रही थी फटाबास कि मैं 24 घंटे की लाइव लगाने की, अरे तो 48 घंटे की लगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तो उन पर पड़ेगा जो कोई देखेगा, हम तो देखते भी नहीं तेरी लाइव। अब वो जरदा खान साहब पूछे मत, इतना चीख चीख के बोलती है, उसके बाद फिर पंचायत करने उसकी लाइव में चली जाती है ना। देखिए एक चैनल का नाम लूँगी मैं जैज़ब ज़िंदगी, वो कभी गलत नहीं बोलती और मैं बराबर वॉच करती हूँ। 2 साल से बीच में भी छोड़ दिया था कुछ टाइम क्योंकि जब कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई थी सितारा पे, लेकिन वो कभी गलत नहीं बोलती, बहुत सही और बिल्कुल सही बात बोलती हैं वो जी। और मैं फिर बाद में बराबर यही कहूँगी ताहिरा जी से आप चैनल डिलीट मत करना, लोग यही तो चाहते हैं, यही चाहते हैं कि आप सितारा से दूर हो जाओ, सितारा परेशान करें, सितारा के खून के प्यासे हैं ये, सितारा को जीने नहीं दे रहे, ये चाहते हैं कि सितारा की वजह से इनके घर चलते रहें। सही कहा कल आपने कि कोई टैक्सी ड्राइवर की बीवी है, कोई क्या कहते हैं ऑटो ड्राइवर की बीवी है, कोई घर में काम करती है, कोई कुछ है, सब ये 4th क्लास लोग हैं जी हाँ। ये लोग कौन होते हैं आप कह रहे हैं ना, वो लोग चाह रहे, ये लोग होते कौन हैं चाहने वाले कि आप ये करो या वो करो, आप अपनी मर्जी की मालिक हैं। और आप सितारा से प्यार करती हैं तो ऐसा कैसे कर देंगे, वो हमें पता है कि आप सितारा का बराबर सपोर्ट करेंगे लेकिन लोगों को जवाब कौन देगा, इनके मिर्ची कौन लगाएगा, इनके मिर्ची तो सबको पता है कि आपको चैनल की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हाथ में काफ़ी हैं, लेकिन बनाया है तो डिलीट मत करना है ना। देखिए कुत्ते भौंकते हैं और हाथी चलता है, कुत्तों की क्या है, भौंकते रहते हैं ना वो, बिगाड़ तो कुछ पाते नहीं हाथी का, तो भौंक के ही चुप हो जाते हैं, तो भौंकने दो। और देखिए ऊपर वाले ने 2 कान दिए हैं, एक से सुनिए एक से निकालिए। मैंने बहुत गलत लोगों को देखा है अपनी ज़िंदगी में, बहुत गलत लोगों को देखा है, आपको मैं क्या बताऊँ अपनी, बस इतना ही बताऊंगी। बाकी मेरी ऑडियंस जो है, मेरी ऑडियंस को तो सबको पता है, अगर ताहिरा जी आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मैं इतना ही बताऊंगी कि बहुत लोग देखे हैं मैंने जर्नी अकेले की है ज़िंदगी की, 22 साल की उम्र में, फिर बताती हूँ कि हस्बैंड की डेथ हुई थी तो एक बच्चा होने वाला था, एक बच्चा गोदी में था, गोदी में क्या 2 साल की, तो आप समझिए कैसे ज़िंदगी। तो मैंने बहुत लोग देखे हैं, कर कुछ नहीं पाते, वो केवल बोल लेते हैं। आप कलम की लड़ाई लड़िए, वो जवान की लड़ाई लड़ रही है, और जीत किसकी होती है, कलम की लड़ाई की जीत होती है जी हाँ। और देखिए मैंने कहा ना कि गलत और सही दोनों लोग देखे हैं, लेकिन कभी गलत लोगों पे मैंने रिएक्ट नहीं किया। बोलना है बोलने दीजिए, बोलना है बोल लीजिए, क्योंकि वो कुछ वो लोग जो होते हैं ना वो गंदे होते हैं, एक चीप होते हैं, किसी की बात का आपको जवाब देने का ज़रूरत ही नहीं है, रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहना है तो इनडायरेक्ट वे में कही, ज़रूरत ही नहीं है, है ना। और जर्दा खान भोको, खूब भोको, अच्छी तरह भोको, जोर जोर से भोको, हम तालियां बजाएंगे, तुम जोर जोर से भोको, जब भोकोगी तो हम तालियां बजाएंगे और तुम्हारे ऊपर इनडायरेक्ट वे में पत्थर फेंकेंगे, जर्दा खान जी समझे हाँ। और सुनिए सितारा के लिए बोलती हूँ, जलते हैं लोग। अब फटाबास वो भी, मैं कह रही हूँ ना मैं भी एक पंडित हूँ, इंडिया से हूँ, लेकिन सही को और सही और गलत को गलत कहना हर धर्म में लिखा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं होता, एक इंसान अच्छा होना चाहिए, मैं इस बात को नहीं मानती। बात रही छोटे यूट्यूबर, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता, इंसान को काम सही करना चाहिए समझे, लेकिन ये लोग छोटे तो हैं ही हैं लेकिन गंदे भी हैं, इंसानियत भी नहीं है, इंसान भी सही नहीं है, तो ये किस श्रेणी में आते हैं जानते हो आप, या मैं मुंह से बोलूं, नहीं बोलूंगी, ये उस श्रेणी में आते हैं। मैं लगाती हूँ इनकी वाट, बोलो अच्छी तरह बोलो, तू क्या सोच रही है, इतना अपने आप बैठ जाती है फटा भा 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 ऐ फटा बांस बोलने हैं, समझ में नहीं आती इसकी,
उसका नाम तो मैंने बिल्कुल सही रखा है, जरदा खान है ना। इसका क्या है, फटा बांस आजाद। वही लोग बैठते हैं देखिए, जो उस मेरी समझ में ये नहीं आता, सितारा को तो ये अच्छा अच्छा कह रही हैं, तायरा जी को बुरा बुरा कह रही हैं। क्यों? बस तुम्हारी लाइव में सितारा के हेटर्स भी तो बैठे होते हैं, तुम कैसे सितारा के सपोर्टर होगी? सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें व्यूज़ चाहिए। अभी सही कहा कल उन्होंने, कौन बैठी थी उनकी लाइव में, तो सही कहा तायरा जी की कि अगर अभी तुम्हें कहीं और व्यूज़ मिलने लगे ना, तुम सितारा को कब से छोड़ दो, तुमने सब करके छोड़ देखा लेकिन तुम्हारी व्यूज़ नहीं मिलते, इसलिए तुम सितारा के लिए ही बोलती हो, तुम्हारी घर की रोटियाँ नहीं चलेंगी, है ना जी। कहूँगी तायरा जी आप चैनल डिलीट मत कीजिए, और सितारा के लिए मैं कभी नहीं बोली, मैं कह रही हूँ जबकि मेरा भी रिएक्शन चैनल है लेकिन मैंने कभी बात नहीं की, इसीलिए कि चलिए बहुत लोग हैं लेकिन आज जब बात ज़रूरत पड़ी है तो मैं बोलूँगी मैं आपके साथ हूँ हर तरीके से। जी हाँ, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर पसंद आई वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट, और देखिए बात रही कि आप, अब कोई कहे कि तो आप टीचर हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब है, आपको ज़रूरत क्या है, ये मेरा शौक है, मैं हर वो काम करना चाहती हूँ जो मैंने लाइफ में नहीं किया। जी मेरा मन था मैं चैनल बनाऊँ, और चैनल बनाए और देती हूँ, पैसा आएगा वेरी गुड, पैसा नहीं आएगा नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं ऐसे ही उन लोगों के खिलाफ जो गलत हैं बोलती रहूँगी, जो लोग सही हैं मैं उनके सपोर्ट में उनके साथ खड़ी रहूँगी। क्या चाहती हो सितारा के लिए, उस लड़की के लिए, उस बच्ची के लिए क्या चाहती हो, क्या चाहती हो? उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरीके से तुम उसके लिए गलत बोल रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको एक अर्ली मॉर्निंग के साथ, अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी बातों के साथ। दुआ कीजिएगा कि हर इंसान, हर ऊपर वाला हर इंसान को एक सद्बुद्धि दे, एक अच्छी ज़िंदगी दे, और उसे अगर वो सही होगा तो अपने बच्चों को परवरिश भी एक अच्छी देगा। जी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। ओके बाय।